नमस्कार, केपी टीवी भारत न्यूज में आपका स्वागत है। यूपी के जनपद बिजनौर में धाधर हत्या से महिला की उंगली और गला काटा। बिजनौर के गांव हरेवला और भगोता में भतीजे ने किया चाची पर धाधर हत्या से हमला, उंगली गला काटा, महिला गंभीर रूप से घायल। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव हरेवला और भगोता निवासी सोनू पुत्र मोहन सिंह ने अपनी ही चाची कमलजीत कौर पर धाधर हथियार से हमला कर उनकी उंगलियां, गला, कान काट कर घायल कर दिया। महिला को हाई रेफर सेंटर किया गया है। परिजनों में है कोहराम मचा हुआ है। घटना को अंजाम देने के बाद सोनू पुत्र मोहन सिंह ने थाना शेरकोट की पुलिस चौकी हरेवली में पहुंचकर खुद को सरेंडर किया। ऐसो थाना शेरकोट अनुज तोमर ने बताया है कि घायल महिला कमलजीत कौर और आरोपी सोनू के बीच प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, इसलिए आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। ऐसो थाना शेरकोट ने बताया, घायल महिला को CSC धामपुर भिजवा दिया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। जनपद बिजनौर से KP सिंह की रिपोर्ट। मैं को अपना घास फूस करता हूँ भाई, अपने डंगरों के लिए। मैं घर नहीं था, उन्होंने मेरी घरवाली को बर्तन मांज रही थी, उन्होंने उन्हें खींच कर मारा, दाती से, आपकी दाती से मारा है, मार कर यहाँ डाल दी, उंगली दबाकर और उसने उंगली दबाकर उसने हाथ काटे हैं, मुड़ा बटिया। तो शेरकोट के भगवता गांव में एक 32 वर्षीय महिला को उसी के भतीजे ने, जिसका नाम सोनू है, किसी रंजिश बस जो पारिवारिक केस था, उसने दराती से, जो गन्ना काटने वाला दराती होता है, उसके गर्दन के पिछले हिस्से को बांध दिया। महिला घायल अवस्था में अस्पताल में एडमिट है, खतरे से बाहर है, गंभीर हालत में है। 307 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया एवं सोनू को हिरासत में।